अल्लाह पना से जवानी पना से हॉस्पिटल
डालने के लिए अपने आंखों में क्या दिया, मिर्ची डाली। आपने कैसा मत करना, लेकिन फिर के पास ऐसा था, उन्होंने क्या किया, मिर्ची डाली ताकि आइंदा जिस उम्र में आगे बढ़कर सशक्त बनकर मुझे देश की सेवा करना है, उस उम्र में नाली में मैं जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे खुद को रोकना, चाहे मैं जैसे भी रोकूं, इसलिए उन्होंने अपने आंख में मिर्ची डाल दिया। दूसरी बात ये कि जब वो शिकागो गए थे अमेरिका में, उनका प्रवचन था, तब उन्होंने कहा था, देखा भी था कि आपको पता है कि 150 साल अंग्रेजों ने भारत पे राज्य किया था। क्यों? क्योंकि भारत मनोबल कमजोर करता जा रहा था। इसकी वजह से, वरना भारत में स्पिरिचुअलिटी है जो पूरे दुनिया नहीं कर सकता, वो भारत अभी भी करता था, करेगा और करता रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्वामी विवेकानंद जी वहाँ पे गए और अंग्रेजों के जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उन्हें वो साहस दिखा, अरे हमारे पूर्वजों ने तो राज किया है, वी आर ब्रिटिश, हमने सब पे राज किया है, अपना मनोबल इतना मजबूत कर सकते हैं, हम तो कर ही सकते हैं ना। अनुशासन तब आता है जब मनोबल मजबूत होता है, मनोबल से बुद्धिबल को स्वीकृति मिलती है, बुद्धिबल से आत्मबल को स्वीकृति मिलती है, तभी आप कुछ कर सकते हो। हालांकि मैं मेरी बात कहूँ, मुझे लेक्चर देने का या मैंने गलती किया है, मैंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है मैंने मेरे पूज्य गुरुदेव से प्राप्त किया है, और मैं चाहती हूँ कि वो ज्ञान सर्वव्यापक हो, क्योंकि जिस उम्र में आप धीरे 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 अट्रैक्शन की ओर जा रहे हो, मैंने कितने देखा है, हालांकि मुझे बोलने में भी कोई शर्म नहीं होती, क्योंकि ये सर टीचर को भी पता है और मैं तो उस उम्र से गुजर ही रही हूँ, तो मुझे तो खास पता है। तो आप अट्रैक्शन में नहीं पढ़ो, क्योंकि अट्रैक्शन में पढ़ोगे तो बुद्धिबल यानी कि आपकी जो मेमोरी पावर है उसी चीज़ को स्वीकृति करेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखो, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अनुशासन इंद्रिय पर लगाओ, हाथ पैर जो आपका पूरा शरीर है, ये जवानी का आधार बना, बहुत कुछ करा भी सकता है, वरना जैसे डुबाएगा ना तो जिंदा नहीं चलाएगा। Thank you.